टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो MMRDA के तहत बनाए गए माहडा के पुनर्वास इमारतों के फ्लैटों को फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचा करता था। हालांकि मुंब्रा पुलिस ने अभी सिर्फ एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है जो मुंब्रा के आज़ाद नगर खड़ी मशीन रोड का रहने वाला है, जिसका नाम इमरान महबूब जुनेजा उर्फ मुन्ना मर्चेंट 39 वर्षीय है। हालांकि मूल रूप से ये आरोपी गुजरात का रहने वाला बताया जा रहा है। दरअसल मुंब्रा पुलिस के डिटेक्शन ब्रांच के API कृपाली बोरसे को जानकारी मिली थी कि मुंब्रा के आज़ाद नगर में माहडा की फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों को फंसाने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में API कृपाली बोरसे, दिलीप किरपन, प्रवीण कुंभार, पंकज गायकर, भूषण खैरनार, प्रमोद जमदाड़े, ये पूरी टीम ने कार्रवाई करते हुए इमरान को गिरफ्तार किया है। इसके पास से फर्जी स्टैम्प, अलॉटमेंट पेपर, फ्लैट की चाबियां, प्रिंटर, डायरी ऐसे अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि अब तक इसने करीब 18 लोगों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए फंसाया है और इस पूरे रैकेट की जाँच पड़ताल की जा रही है कि आखिर इस रैकेट में कौन कौन शामिल है। आगे और भी इस मामले में गिरफ्तारी होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने इस आरोपी पर IPC की धारा 420, 465, 466, 467, 468, 479 के तहत दर्ज कर इसे कोर्ट में पेश किया था, जहां से 7 दिन की इसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ACP वेंकट आंधले ने इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी दी है। 2021 हमारे जो DB के 2 स्क्वाड है, आप लोगों को मालूम है, एक स्क्वाड के इंचार्ज हमारी वैशाली मैडम है और एक के इंचार्ज हमारे दूसरे ऑफिसर है, रूपाली मैडम। हाँ, रूपाली मैडम और दूसरे एक इंचार्ज है। तो इनको दोपहर एक वो तारीख में एक मालूम मिली थी कि कोई तो भी जो मुंब्रा से डाइगर से मुंब्रा जाने वाला रोड है जो MMRDA का है, जो जिसका बाधित लोग है, जो उनको नए घर दिए जाते हैं, तो ऐसे कोई बोगस कागज पत्र बना के उसका डॉक्यूमेंट्स बना के वो असली करके लोगों को बेच रहा है और उसके बदले में पैसा ले रहा है, गवर्नमेंट का और पब्लिक का नुकसान कर रहा है। तो उन्होंने जाके रेड किया है आपके जो एरिया है यहाँ का आज़ाद नगर में, वहाँ पर एक जाके रेड किया तो उनको बहुत से स्टैम्प है, अलॉटमेंट लेटर है, जो जुनैन बोल के ऐसे बोगस बनाए वाले कागज़ है, कोई क्या ची जो फ्लैट है उसकी कंप्यूटराइज ये क्या बोलते उसको चाबी है, ये सब उनको मिला है। और ये जो बच्चा है इसका नाम है इमरान महबूब जुनेज उर्फ मुन्ना, जो रहने वाला अभी रहता था अपने मुंब्रा में, खड़ी मशीन रोड मुंब्रा, लेकिन वो रहने वाला गुजरात का है। उसको अरेस्ट किया है, उसके पास से इतना माल इतना जो डॉक्यूमेंट्स बनाया है सब जब्त किया है। और इसके खिलाफ में मुंब्रा पुलिस स्टेशन में 12/71/2021 IPC सेक्शन है 420, 465, 66, 67, 68, 69, 71 जो 30/12 को दर्ज हुआ है और उसको अरेस्ट किया गया है पुलिस कस्टडी में, उसको कोर्ट के सामने खड़ा किया तो उसके 7 तारीख तक पुलिस कस्टडी मिली है। ये बहुत बड़ा काम हमारे DB के बोरसे मैडम ने और PI चौरे साहब ने इसमें मार्गदर्शन किया। बोरसे मैडम ने रात दिन बहुत कष्ट उठाया और ये बहुत बड़ा ये केस ओपन किया है। अभी तुम बोलेगे कि इसके अंदर कौन और रहे हैं, तो इसका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जैसा भी मालूमात मिलेगी कि कोई इसमें इन्वॉल्व है वो कौन से डिपार्टमेंट का रहने दो, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए कोई किसी को भावबंदी बताई नहीं जाएगी। सर, कितने लोगों के साथ जो है बोगस कागजात देकर के फ्लैट देकर ठगी की गई? अभी तो मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो 18 लोगों का है। अभी इसमें लोग बढ़ सकते हैं, जो भी बढ़ेंगे, जो भी मालूमात मिलेगी उस हिसाब से तपास किया। ये 18 लोग कहाँ के हैं, जो दोस्ती का अभी तो 18 लोग हैं, अभी उसकी मालूमात ली जा रही है। हम जो ऑफेंस रजिस्टर हो गया, पुलिस कस्टडी लिया, इसका मालूमात के लिए आपको बुलाया है। जो मालूमात मेरे पास है वो दे रहा हूँ, जैसे हम 18 लोगों की मालूमात मिलेगी आपको दी जाएगी। सर, ये 18 लोगों से कितना पैसा लिया हुआ? देखो अभी तपास जारी है, वो कल तो उसको पुलिस कस्टडी मिली है, 7 तारीख तक मेरे ताबे में है। जितना भी उसने किसी से पैसा लिए बगैर तो कागज नहीं देगा, लेकिन कितना अमाउंट है ये मैं अभी नहीं बता सकता। सर, 18 जो सदनिका है उसने ये बोगस कागजात पर लोगों को दी है, तो वो I विंग की है या H विंग की है?
नहीं, विंग के बारे में अभी देख पता चलता है हाँ। लेकिन वो मुमरा का है जो दोस्ती के बाजू में है, जो बिल्डिंग बन रही उसका है, जो आगे और दूसरे बिल्डिंग का भी रह सकता है, जो भी है तपास में मालूमात मिलेगी आपको दी। नहीं सर, आपकी जानकारी के लिए मतलब बता दे रहा हूँ कि हम लोगों को भी ऐसी बहुत सारी चीजें एच और आई विंग के बारे में पता चली है जो MMRDA द्वारा बनाई गई है। देखो IMA का है, SBI का मालूमात मिल रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन में आगे दिखेगा।